बेवकूफ राजा। कुछ साल पुरानी बात है, एक राजा को अच्छे अच्छे और नए नए कपड़े पहनने का बहुत शौक था। वह अपने राज्य का सारा धन अपने कपड़ों पर ही खर्च कर देता था। वह रोज रोज नए नए कपड़े पहनता था। कपड़ों के आगे उसे अपनी प्रजा की भी कोई परवाह नहीं थी। एक दिन दो चालाक आदमी राजा के दरबार में आए आए उनका कहना था कि वो दोनों बहुत खास तरह के कपड़े बनाते हैं। उनके द्वारा बनाए गए कपड़े उनके द्वारा बनाए गए कपड़े लेकिन बुद्धिमान लोगों की को ही दिखाई देते हैं। बेवकूफ लोग उनके द्वारा बनाए गए कपड़े नहीं देख सकते। राजा को उन दोनों के बारे में पता चला तो राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचा, अब तो मैं ऐसी पोशाक पहनूंगा जो सिर्फ बुद्धिमान लोगों को ही दिखाई दे। इस तरह मुझे बुद्धिमान और बेवकूफ लोगों को छांटने में आसानी होगी। अगले दिन राजा ने उस दोनों कपड़े बनाने वाले आदमियों को अपने महल में बुलाया और कहा कि मेरे लिए अच्छे से अच्छे कपड़े बना कर दो। यह कहकर राजा ने उन दोनों को अशर्फियाँ के थैले, कपड़े तैयार करने का सामान, सुई, कैंची, रेशम आदि दिया। दोनों कपड़े बनाने वाले आदमी सामान लेकर वहाँ से चले गए। कपड़े बनाने वाले राजा के लिए सुंदर कपड़े बनाने में जुट गए। इसी तरह कई दिन और हफ्ते गुजर गए। लगभग एक महीने बाद कपड़े बनाने वालों ने घोषणा की कि राजा के कपड़े बनकर तैयार हैं। राजा के महल में पहुंचकर दोनों ने राजा को अपने बनाए हुए कपड़े दिखाए, पर यह क्या, राजा को तो कपड़े दिखाई नहीं दे रहे थे। राजा ने सोचा, अगर मैं ये कहूँगा कि मुझे कपड़े दिखाई नहीं दे रहे हैं तो सारी प्रजा मेरा मजाक उड़ाएगी कि राजा बेवकूफ है, क्योंकि राजा को कपड़े दिखाई नहीं दे रहे हैं। बेवकूफ राजा की कहानी बेवकूफ कहलाए जाने के कारण डर से राजा ने कहा, अरे वाह क्या पोशाक बनाई है, अरे वाह क्या पोशाक बनाई है, कितनी सुंदर है, इसका रंग कितना अच्छा है, इस पर कितनी अच्छी कलाकारी की गई है। राजा ने उन्हें सोने की अशर्फियाँ दी और वो दोनों वहाँ से चले गए। दरअसल वो दोनों लोग बहुत ही चालाक थे। उन्होंने राजा को बेवकूफ बनाकर राजा से इनाम भी ले लिया और राजा को कपड़े भी बनाकर नहीं दिए। उनकी बेवकूफ और बुद्धिमान वाली बात झूठी थी। वे कोई कपड़े नहीं बनाते थे। सारे राज्य के में शोर मचा हुआ था कि राजा ने कपड़े नहीं दिखाई देंगे। बेवकूफ को राजा ने कपड़े दिखाई नहीं देंगे। सारे दरबारी सेवक राजा के आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही राजा बाहर आया, सभी लोग दंग रह गए, क्योंकि किसी को भी राजा के कपड़े दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन बेवकूफ कहलाए जाने के डर से किसी की यह बोलने की हिम्मत नहीं हुई कि राजा उसको राजा के कपड़े दिखाई नहीं दे रहे थे। सारे दरबारी एक एक करके राजा के कपड़े की तारीफ करने लगे। जनता और राजा का डर, अरे वाह राजा जी कितने सुंदर कपड़े हैं आपके।